सो दिस इज़ आवर रूम, ये आयुष की रूम है, ये मेरी रूम है, सारा लगेज, वार्डरोब, टीवी, अ हॉल, अ डाइनिंग टेबल एंड अ किचन। सो फाइनली डन, हम रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट गेयर्ड अप टोटली एंड बस अभी निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। तो हम जा रहे हैं रामेश्वरम वाया कोयम्बतूर एंड मदुराई, तो इट्स ऑलमोस्ट 474 किलोमीटर्स और अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 11:15। आई नो आई एम लेट बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, भाई से बात कर रहे थे, सामान पैक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो थोड़ा लेट हो गया। बस अब गाड़ी हमने लोड कर ली है, बस अब गाड़ी पर बैठेंगे, सेल मारेंगे एंड वी लीव। चलो रोड पर मिलते हैं गाइस, वीडियो में बाय बोल दे, चल बाय बाय। तो फाइनली हम यहाँ से निकल गए, आई थिंक द एंगल इज़ गुड। तो गूगल बता रहा है हमें कि हमें 9 घंटे लगेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इससे जल्दी ही पहुँचे। यहाँ से ऊपर बता रहा है, ओके तो चलो गाइस चलते हैं, क्योंकि आज हमारा डिस्टेंस जो है वो है 480 किलोमीटर्स और हमें काफ़ी लेट हो चुका है निकलने में। तो जैसे भी होता है कवर करते करते पहुंचेंगे, अगर ज़्यादा लेट हो गया हमें तो हम रुक जाएंगे और एल्स विल रीच। कोशिश की पूरी रहेगी आज कि कवर हो जाए, तो चलो चलते हैं। तो हम हमारे रोड पे तो लग गए और अभी पता है कैसा अजीब सा लग रहा है भाई को अकेले छोड़ के जाना। भाई बोल रहा था हमें कि मुन्नार साथ में जाना है, बट हमें पापा का जो पिंडदान करना है वो पंचमी को करना है, मतलब हमें घर से वैसे ऑर्डर भी मिले तो हमें एक्चुअली रामेश्वरम जाना है पापा का पिंडदान करने, इसलिए वी आर गेटिंग सेपरेटेड, वरना तो हम साथ में ही निकल जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट देन अगर मुझे रामेश्वरम नहीं जाना होता तो उनके साथ मैं कंटिन्यू कर लेता, बट मुझे रामेश्वरम जाना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द एंट्रेंस, दैट्स द एग्जिट एंड दैट्स आवर रूट फॉर कोयम्बतूर। तो पूरा ट्री प्लांटेशन देख रहे हो, ऊपर पूरा ट्री प्लांटेशन है, मतलब रुको दिखाता हूँ, दिख रहे हैं आपको, ये सब ट्री प्लांटेशन है, टी चाय टी प्लांटेशन, लुक एट दिस, व्हाट अ व्यू। हम 2 दिन ऊटी में थे, हमने काफी आराम कर लिया, हमने वीडियो एडिट कर लिया, हमने अपलोड कर दिया, दूसरा वीडियो भी हमारा बन के रेडी है, तो पार्ट 2 वो भी अपलोड हो ही जाएगा। वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब 2 दिन से काफ़ी कड़ाके की ठंड थी यहाँ पे, मतलब काफ़ी कड़ाके की ठंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्दाश्त के बाहर थी, लाइक 10-12 और तबीयत ख़राब होने के चक्कर में और वो महसूस हो रही थी। सो नाउ इज़ बैक टू नॉर्मल। और ट्रैफिक का मैं अगर अपडेट दूँ तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, बट है थोड़ा बहुत तो पक्का से है। वाओ नाइस व्यू, बाइक की ये खासियत होती है कि मतलब आप जिधर देखो उधर से आपको ओपन व्यू मिलता है। बस आगे जाएंगे, अभी हमारे पास हाफ टैंक फ्यूल है, तो जैसे ही हमें फ्यूल पंप मिलता है अगला वाला हम फ्यूलिंग करवा लेंगे, टैंक फुल करेंगे और टैंक टू टैंक चलने की कोशिश करेंगे आज भी। तो ये हमारा फ्यूल स्टॉप है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 700-750 का फ्यूल बैठेगा, इधर से आना होगा आपको। तो जो फ्यूल बैठा है वह बैठा है 694 रुपीज़ का, 6.63 लीटर्स। यार ये ग्लव्स बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, पता है क्या, पहनूंगा नहीं तो फिर आप लोग कमेंट भी करते हो यार नीचे, डर के मारे पहनना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया राइट, तो हम ऐसा निकल गए, फ्यूलिंग कर ली, अब मुझे ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर्स के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं है, 320-350 तक टेंशन नहीं है, क्योंकि पर टैंक हमें 325-350 का ही रेंज मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 310-320 का ही रेंज मिल रहा है,
पर 12 लीटर्स, बिकॉज हम थोड़ा फास्ट भी आ रहे थे ना, 2-3 दिनों से हम जितना भी ट्रैवल किया है हमने बहुत फास्ट किया है, और आज का भी वही सीन है। तो वैसे मुझे एवरेज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज गेट द सेम माइलेज इवन इन द सिटी एंड इन द हाईवेज, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। व्यूज देख रहे हो, नाइस व्यूज ना, पहाड़ और जंगलों के बीच से। हैव अ लुक एट दैट, वाओ, इट्स जस्ट वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वो वाला सीन है यहाँ पे फिलहाल। अच्छा तो लग रहा है, मतलब वेदर काफ़ी अच्छा है, अब थोड़ा वार्म होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं ना तो वार्म हो रहा है वेदर। वेदर बहुत प्यारा वेदर हो रहा है भाई, शायद फॉग भी लग सकता है आगे, आई होप। ऊपर देख रहे हो, नीचे टी का प्लांटेशन है, टी के खेत, एंड द क्लाउड्स मैन, अमेजिंग। वो नाइस, ब्यूटिफुल। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स राइट नाउ, पर इतना खूबसूरत नज़ारा है, OMG, नाइस, फुल वैली व्यू। फोन पे लिखा था 13th हेयर पिन बैंड, ऐसे पता नहीं कितने हेयर पिन बैंड्स होंगे, नॉट श्योर, बट चलो देखते हैं, लेट्स काउंट इट ना, क्योंकि वहाँ पर मेंशन किया गया है तो हम उसका एक काउंट रख सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट। ओ, ट्रेन ट्रैक्स, दिस इज द 12th, मतलब आई थिंक मुझे अभी जो बोर्ड दिखा वो 13 था, अभी यह 12 है, तो अभी और 12 हेयर पिन बैंड्स बचे हैं। व्यूज के साथ भाई अमेजिंग, रोड्स आर गुड, नॉट द बैड शेप, कहीं कहीं सिर्फ छोटे छोटे पैचेस है, तो उसके ध्यान रखना पड़ता है सिर्फ, कि अचानक से बैड पैच आ जाता है, बाकी रोड्स आर वेरी ग्रेट, कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरे रोड्स के बारे में आज। और मेरे सामने के चक्का जो है, मतलब फ्रंट टायर, उसमें थोड़ी हवा कम हो चुकी है, आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है, तो मुझे थोड़ा स्टेयरिंग थोड़ा हार्ड लग रहा है, हो जाएगा, नीचे जैसे जाते हैं यहाँ पे भी हमें मिलती है लाइक एयर, तो हम डलवा लेंगे। 11th हेयर पिन बैंड, तो ऐसे 10 और है भाई, 14 हेयर पिन बैंड्स थे, एंड इट वॉज अमेजिंग। और अभी आपके हाथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके कान वगैरह ऐसे बंद हो रहे हो, कम ज़्यादा हो रहे हो ड्यू टू द प्रेशर? मुझे फील हो रहा है, मतलब मेरे कान ऐसा लग रहा है कि कान ब्लॉक हो चुके हैं, मुझे कम सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आई विल स्टॉप फॉर अ टी नाउ, जैसे ही हम नीचे उतरेंगे पूरा घाट सेक्शन वैसे ही हम रुक जाएंगे, रुकेंगे चाय पियेंगे एंड देन विल लीव, क्योंकि कानों में मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है मुझे, और हमें आज लंबा भी जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि रास्ते में कुछ हो या तो हमारी तबीयत फिर से ख़राब हो, सो आई विल स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक। सामने की जो हवा कम हो गई ना, उसके चक्कर में हम अभी फुल अप करेंगे, मतलब थोड़ा फुल करवाएंगे हवा, अराउंड 30 करवाएंगे, और 30 हमें चाहिए, क्योंकि वाइल डूइंग द कॉर्नर्स मुझे हाथों में बहुत प्रेशर हो रहा है, और गाड़ी हैंडलिंग में भी बहुत हैवी महसूस हो रही है, तो थोड़ा हो जाएगा तो मतलब एट लीस्ट आई विल बी कंफर्टेबल टू ड्राइव। 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमने कर लिया है, अभी बता रहा है 325 किलोमीटर्स, और हम हमारे हाईवे पे जो है वो लग चुके हैं, आई थिंक हाँ हम हमारे हाईवे पे लग गए, सो वी आर फाइनली ऑन द हाईवे गाइज, विच तो अभी 325 किलोमीटर बता रहा है, और वेदर अचानक से पूरा चेंज हो चुका है, लाइक अभी तक काफ़ी वार्म चल रहा था, सनलाइट चल रही थी, अब आगे पूरे बादल ही बादल है, थोड़ा डर तो है, थोड़ा
क्योंकि अगर बारिश आती है ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, एंड देन आई वुडंट बी एबल टू कोप अप एंड कवर अप, दैट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे पास रेन लाइनर नहीं है और ना ही रेनकोट लेकर आया था मैं मेरा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही रहेगा। बट बाकी इट्स ऑल गुड, इट्स प्लीजेंट, ज़्यादा ऐसी उमस और गर्माश नहीं हो रही है, पर जैसे जैसे हम रामेश्वरम की तरफ जाते जाएंगे ना तो इट विल फील कि हाँ गर्म हो रहा है, क्योंकि कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगे तो फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। पर वैसे अभी तक का जर्नी जो था, रोड जो था, तो लास्ट 70 किलोमीटर्स वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज इट वॉज सिंगल लेन रोड, और दिक्कत ये हो रही थी हमें क्योंकि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जगह पर बहुत सारे पैचेस है, तो वॉज वेटिंग फॉर दिस हाईवे कि ये हाईवे कब लगेगा, तो फाइनली हमें हाईवे लग गया, नाउ वी कैन मेंटेन अ गुड पेस और हम कवर भी कर सकते हैं। सो हमें एक शोरूम मिला था, बट द प्रॉब्लम इज कि इट इज़ लंच टाइम नाउ, और फिर लंच टाइम में दे डोंट वर्क राइट, तो वी आर टेकिंग अगेन डी टूर कि वी आर थिंकिंग कि आगे जाते हैं कहीं पे एंड देन वहाँ पर ब्रेक पैड चेंज करवाते हैं, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ब्रेक पैड चेंज नहीं करवाया तो वी विल बी फेसिंग अ बिग इशू, बिकॉज आवर ब्रेक पैड्स आर ओवर, ख़त्म हो चुका है। सो नाउ विल बी फाइंडिंग अ डिफरेंट शोरूम, लकीली आई गॉट दिस, बट दे आर आस्किंग मी टू स्टॉप फॉर 1 आवर, अभी बज रहे 2 और 3 बजे तक मुझे वेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर आई कॉन्ट वेट फॉर दैट लॉन्ग राइट, सो वी आर लीविंग। सो अभी बज रहे हैं 3:00 something, नॉट दैट ह्यूज टाइम, सॉरी 3:06, और अभी भी हम हैं 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रामेश्वरम, तो 250 किलोमीटर ही बचा है। द हाईवे इज़ गुड बट इट्स बोरिंग, मतलब अगर कोई होता साथ में बात करने के लिए या साथ में राइड करने के लिए तो बहुत मज़ा आती, बट अकेला हूँ ना, गेटिंग बोर। अब हमें आगे से बाईपास पकड़ना है, वाओ नाइस एम्बेसडर, माय मॉम लव्स ब्लैक एम्बेसडर, and I can see a showroom, I can see a showroom, I can get my brake pads changed, finally I can see a showroom जहाँ पे मैं मेरा brake pad at least change कर लूँ, thank god I can see one। so right now we are at a TVS showroom, तो अभी हम brake pads change करवाएंगे, finally we found one showroom जहाँ पे हम brake pads change कर सके, बिकॉज हमें कब से ढूंढ रहे थे हम कि एक मिल जाए तो हम चेंज कर लेंगे, फाइनली वी फाउंड वन, एंड दिस इज द TVS शोरूम, KS TVS, दैट्स KS TVS, सो विल बी चेंजिंग इट एंड विल बी लीविंग अगेन, और मौसम देख रहे हो, लुक एट दैट, अमेजिंग ना द रेंजेस। ओके अप्पे बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं पनी आरंभ, सो अप्पे इक्वल्स टू पनी आरंभ। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेन, बारिश शुरू हो गई है, तो आई एम प्लानिंग टू गेट अ रेनकोट इन द सिटी, तो पहले सिटी के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा रेनकोट खरीदेंगे, पहन लेंगे एंड देन वी लीव, क्योंकि अगर ऐसी ही बारिश होते रही तो फिर हमारी हालत ख़राब, और आगे अगर आप देख पा रहे हो तो पूरी बारिश ही है। यार थोड़ा डर तो लग रहा है बारिश के चक्कर में, बट आई होप मुझे रेनकोट अगर मिल गया तो आई कैन एटलीस्ट कवर अप। एक बार रुक के घर पे भी बात कर लेता हूँ, मतलब भाई तो बारिश हो रही है यार, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बारिश हो रही थी तो हमने गोप्रो निकाल दिया, हमने रेनकोट पहन लिया और हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट। सभी फ्यूल भरा है हमने 1194 रुपये का, और बारिश चल रही है बाहर, इसलिए ऐसी हालत है। सो
सो फाइनली रीच्ड नियर एटलीस्ट 80 किलोमीटर्स। बारिश का जो स्टेटस है वो बन चालू हो रही है, थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है, बाकी इट्स सो फार सो गुड, नो कोई इशू नहीं है। फैंटम इज़ परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, कोई दिक्कत नहीं है। शी अभी उसके ब्रेक पैड चेंज हुआ है, वी हैव लूब्ड एवरीथिंग, हमने ग्रीस लगाया है चेन पे, अभी ऑयल चेक किया एंड बेसिक चेक सब कुछ चेक कर लिया, तो शी इज़ गुड एंड नाउ वी आर सेट टू लीव। तो चलो रूम पे जाके बात करते हैं, क्योंकि अभी भी मतलब ऐसे बारीक बारीक छींटे आ रहे हैं, तो चलो लेट्स गो गाइस। सो हम रामेश्वरम तक पहुँच गए, बट द प्रॉब्लम इज दिस आर्क इज डैमेज, कीड़ा लगा, ऊपर से बारिश भी लग रही थी, तो इट वॉज हैवी रेनफॉल। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट आई होप फॉर द बेस्ट। मेरी सोच में ही फर्क है, सोच में ही फर्क, मेरा ख्वाबों को पर है, मेरा ख्वाबों को पर है, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है, भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है, फर्क है फर्क है फर्क है फर्क है फर्क, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है, भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है, फर्क है फर्क है। हजारों की भीड़ में ताकत है रीढ़ में, कचरे की चाल लेके निकले स्पीड में, हाईवे बना दोस्त, रोज रोज मुलाकातें, चलते जमीन पे और बातें हवा से, बच्चे बूढ़े तो आवाज़ से।